आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन भाइयों के लिए जो भेड़ बकरी पालन करते हैं। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में बात करेंगे, शीपपॉक्स, जो कि एक कंटेजनस डिजीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। शीपपॉक्स होता क्या है, कैसे वो जानवरों में फैलता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम क्या है, और हम कैसे अपने भेड़ों को उस बीमारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आज हम शीपपॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, शीपपॉक्स एक वायरल डिजीज है, कंटेजनस डिजीज है, वायरल, जो कि वायरस से फैलता है, कैप्रोपॉक्स वायरस की वजह से फैलता है। तो कंटेजनस वो होता है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होता है, फैल जाता है। तो अगर ये मान लीजिए फ्लॉक में किसी भेड़ को निकल गया शीपपॉक्स, तो उसका सिम्टम फिर क्या आता है? सबसे पहले उसका हाई फीवर हो जाता है, उसका जो है फीवर जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो फीवर की वजह से वो उसका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है। जब वो खाना पीना छोड़ देता है वो फिर कमजोर हो जाएगा। तो उसके साथ साथ हमारा सिम्टम जो है वो इसके चेहरे पर या उस जगह जहाँ पर वूल बहुत ही कम होता है, जहाँ पर वूल नहीं होता है, जैसे चेहरे के ऊपर या जो है टांगों के बीच में या थनों के ऊपर या टेल के नीचे जहाँ पर वूल नहीं होता है, वहां पर छोटे छोटे दाने आते हैं, रेड कलर के दाने आते हैं, जिनको हम पिप्यूल्स या नोड्यूल्स कहते हैं, वो नजर आते हैं। तो वो इसका सिम्टम होता है। अगर जो कि फ्लॉक में किसी भेड़ को ये निकल गया, हमने पहले ही बताया ये एक कंटेजनस डिजीज है जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाता है। तो अब इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो फैल जाएगा, ये फैलता है बाय डायरेक्ट जो है वो कंटेक्ट। अगर फ्लॉक में एक मान लीजिए एक जानवर को ये बीमारी निकल गई, तो ये दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाएगा बाय डायरेक्ट कंटेक्ट। जब ये खाना स्टार्ट करेगा या जो ये सांस लेगा, इनहेल करेगा, सांस लेगा, उसकी वजह से ये फैल जाएगा। पानी पिएगा, दूसरे हेल्दी जानवर जो है वो भी पानी पिएंगे इसी के साथ, तो उस वजह से भी ये फैल जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको जो है वो आइसोलेट करना होगा, अलग से रखना होगा। जैसे कोविड में होता था एक क्वारंटाइन, जिस बंदे को जो है वो कोविड निकलता था उसको जो है फिर क्वारंटाइन कर देते थे, इसी तरह हमें भी है उस जानवर को क्वारंटाइन करना है, अलग से रखना है, बिल्कुल इस शेड के नजदीक नहीं रखना है, अलग से इसको रखना है। फिर हमें जो है अलग से एक बंदा रखना है जो इसका केयर करेगा। अगर हमारे पास बंदा नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें अच्छे से यूनिफॉर्म लगाना होगा, ग्लव्स लगाना होगा, ताकि जो है ये वायरस जो है वो हेल्दी जानवर तक ना पहुंच पाए। तो दोस्तों, अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट इसका नहीं है, अब एक स्पेसिफिक जो है वो केयर हम कर सकते हैं इसको। ट्रीटमेंट जो है वो हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर इसका हाई फीवर है, हम इसका फीवर जो है वो डाउन करेंगे बाय की इंजेक्शंस, हम मेलॉक्सिन इसको दे सकते हैं, उस टाइम पैरास्टामॉल दे सकते हैं, इसका फीवर जो है वो डाउन हो जाएगा, ये थोड़ा सा खाना पीना फिर से जो है वो स्टार्ट करेगा। तो जब साथ ही साथ हम इसको एंटीबायोटिक्स भी देंगे। एंटीबायोटिक्स किसकी वजह, एंटीबायोटिक जो इसके जो है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो है ये जो लैम्प है, इसका जो है मुंह पक गया है, या देख सकते ये शीपपॉक्स की वजह से नहीं है, ये इसके दांत निकल आ रहे हैं, इसी की वजह से, जैसे कि इसका जो है जख्म ये बढ़ गया है। अब इसको ठीक कौन करेगा, इसको ठीक करेगा एंटीबायोटिक्स, इसको एंटीबायोटिक्स हम देंगे ताकि जो है वो वाउंड जो है वो जल्द से जल्द हील हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक्स हम देंगे, टेट्रासाइक्लिन हमारे पास होता है, टेरामाइसिन या पेंसिलिन या सेफ्ट्रेक्सिन, सेफ्ट्रेक्सिन हम दे सकते हैं। तो अगर फिर भी जो है जानवर जो है वो फिर भी खाना वाना जो है वो कुछ नहीं खा रहा है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन देंगे ताकि इसको ऊर्जा मिल जाएगी जो है बीमारी से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये था इसका जो है स्पेसिफिक जो है हम केयर कर सकेंगे, तो इससे जो है वो मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाएगी इस बीमारी से। तो अब बात करेंगे प्रिवेंशन की, हम कैसे इसको बचा सकते हैं। तो ये थे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या करना होगा, एहतियात ही करना होगा, हम टाइम से पहले हम क्या करेंगे, वैक्सीन देंगे इनको। वैक्सीन का काम होता है बीमारी होने से
बचा देते हैं वो जानवर को। ये जो हमारे पास वैक्सीन है शीपॉक्स की, ये वाली हम ये दे सकते हैं टाइम से पहले, जब बीमारी नहीं होगी। ये ड्राइड फार्म में होता है, इसमें से जो है हमें पानी थोड़ा सा स्टराइल वाटर जो होता है वो 1-2 ml निकालना पड़ता है। 1-2 ml वाटर हम इसे निकालेंगे, फिर जो ये ड्राइड जो है ये शीपॉक्स की वैक्सीन इसमें डालेंगे, फिर वो वापस जो है हम इसी में डालेंगे, इसी बोतल में डालेंगे। फिर हम ये 1 ml इनको इंट्रामस्कुलर देंगे। लैम जो होगा वो 1 month से ऊपर होना चाहिए, उसको हम दे सकते हैं। क्योंकि एक खास बात आपको जहन में रखना होगा, इस बीमारी से पेशी इम्यूनिटी नहीं हो जाती है, पेशी इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाती है। तो क्या होती है पेशी इम्यूनिटी? पेशी इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बच्चे, जो माँ से ट्रांसफर हो जाती है बच्चे में, लेकिन इस वैक्सीन से पेशी इम्यूनिटी इनको नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि लैम जो है उसको अलग से हमें वैक्सीन देना होगा, जैसे हमने ईटी एंटीरोटॉक्सिमा दिया था इससे पहले वैक्सीन, उससे पेशी इम्यूनिटी हो जाती है बच्चे में, जो है ट्रांसफर इम्यूनिटी हो जाती है। लेकिन शीपॉक्स वैक्सीन जो है वो पेशी इम्यूनिटी नहीं देती है बच्चे में। तो हमें क्या करना होगा, हमें अलग से इसको भी वैक्सीन देना होगा, ताकि जो है हम बीमारी, ये जो है शीपॉक्स एक कंटेजनस डिजीज, खतरनाक बीमारी है, इससे अपने जो है खुला को बचाएंगे। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शीपॉक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू।